इंडियन हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटलिटी कोऑपरेटिव लिमिटेड नई दिल्ली के संचालक लखनलाल साहू द्वारा दुर्ग जिले के शासकीय अस्पतालों में जिम्मेदार चिकित्सकों के संरक्षण पर बड़ा भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया गया है, जिसे लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। मीडिया को जानकारी देते हुए बताया गया कि इस बात की शिकायत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री के अलावा शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को चिकित्सकों के नामों का उल्लेख कर शिकायती पत्र प्रेषित किया गया है और दोषी चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें तत्काल निलंबित करने की मांग की गई है। इंडियन हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटैलिटी कोऑपरेटिव लिमिटेड के संचालक लखनलाल साहू ने कहा कि दुर्ग जिला मुख्यमंत्री का गृह जिला है, यहाँ मरीजों के स्वास्थ्य के साथ चिकित्सकों द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने करोड़ों रुपए आवंटित किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ के जिम्मेदार चिकित्सक अपने निजी स्वार्थ के लिए गुणवत्ता विहीन मेडिकल उपकरणों की खरीदी कर भ्रष्टाचार तो कर ही रहे हैं, साथ ही शासन को करोड़ों रुपयों का चूना लगा रहे हैं, जिससे जिले के मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। साहू ने आरोप लगाते हुए कहा कि दुर्ग जिला अस्पताल में भराशाही किसी से छिपाए नहीं छिपी है, यहाँ बिना राशि भेंट किए मरीजों को उचित इलाज नहीं मिल पाता, जिसके कई उदाहरण सामने आ चुके हैं। बावजूद आज तक ऐसे चिकित्सक अस्पताल में जमे हुए हैं, जिससे अस्पताल की व्यवस्था खराब हो रही है। साहू ने कहा कि शासकीय अस्पतालों के भ्रष्टाचार एवं अव्यवस्थाओं को पत्र के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत करा दिया गया है, मगर शिकायतों पर शासन प्रशासन द्वारा जिम्मेदार चिकित्सकों के खिलाफ जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो इंडियन हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटैलिटी कोऑपरेटिव लिमिटेड पीड़ित मरीजों व उनके परिजनों के साथ उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। मैडम, जैसे आप लोग भी जानते हैं कि देश की सरकार और प्रदेश की सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए हर चिकित्सालय में विभिन्न प्रकार के आधुनिक यंत्र और साथ ही साथ आधुनिक लैब की सुविधा प्रदान कर रही है, लेकिन उस लैब में या तो जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है या फिर जो है वो अपना प्रॉपर ड्यूटी पूरा नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते जनता को छोटे छोटे टेस्ट के लिए भी बाहर प्राइवेट अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जबकि उससे अच्छी सुविधा हमारे शासकीय चिकित्सालयों में मिल सकता है। कारण ये है, जब वो प्राइवेट में कोई व्यक्ति जाता है तो उसके आयुष्मान कार्ड का दुरुपयोग भी किया जाता है, जबकि वो चिकित्सा यहाँ पर निःशुल्क मिल सकता है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। लाखों की मशीनें खराब हो रही हैं या केवल आती है और बक्से में बंद रह जाती है और उसका कोई उपयोग नहीं हो जाता, दो साल बाद कंडम हो जाता है। कोरोना काल में भी देखे होंगे आपने, इतने आधुनिक ऑक्सीजन यंत्र आए और पीपी किट आया, दुनिया भर के इक्विपमेंट आए, लेकिन आज की स्थिति में उनकी क्या हालत है आप खुद पता कर सकते हैं वहाँ पर निरीक्षण करके, आप तो प्रेस से जुड़े हुए लोग। तो ये जो बर्बादी हो रहा है और जनता को इसका प्रॉपर सुविधा नहीं मिल पा रहा है, हम इस चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि सरकार सचेत हो, मीडिया सचेत हो और शासकीय सेवक जो वहाँ पर बैठे हुए वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निर्वहन करके अच्छे से अच्छी सुविधाएं जो मिलने वाली है उसको जनता तक पहुँचाए। गरीब जनता का इससे भला होगा और लाखों करोड़ों रुपए का राजस्व सरकार का बचेगा, साथ ही साथ जो आयुष्मान कार्ड में जो पैसे उसके डले हुए हैं वो बड़ी क्रिटिकल बीमारियों के लिए उपयोग होगा। ये सोचकर हमने इस बात को उठाया है और सरकार तक हमने अपनी बात पहुंचाई। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़।